खबर बुरहानपुर जिले से है, जहां किलर हाईवे के नाम से बदनाम हो चुके इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हादसे रोकने के लिए यातायात पुलिस लंबे समय से लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही इस हाईवे पर कई बार स्पीड ब्रेकर बनवाने के साथ अन्य सुधार कार्य किए गए हैं, जिससे कि हादसों पर लगाम लग सके। आपको बता दें, इस सड़क हाईवे पर झांझर पुलिया के पास मोड़ पर एक खंभा काफी खतरनाक हो चुका था। करीब 3.5 फीट का यह खंभा तिरछा हो चुका था, जिसके चलते इस खंभे से टकराकर लोगों के गंभीर या घायल होने का हमेशा अंदेशा बना रहता था। यातायात थाना प्रभारी हंस कुमार झंझोर ने इसको जमीन से पूरी तरह निकलवा दिया है, जिससे अब यह हादसा नहीं होगा। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर अब बुरहानपुर शहर की सीमा में जितना हाईवे लगता है उस पर कई पुलियां हैं, कई टर्निंग है। पहले ये रोड MPRDC के पास में था, अब NHAI के अंडर में आ गया है। इस पर जहाँ जहाँ पुलियाँ क्षतिग्रस्त थी और वहाँ पर हमने NHAI को शोधन करने के लिए लिखा था। कुछ दुर्घटनाएं भी हुई थी इसमें। 18 मई को एक दुर्घटना हो गई थी जिसमें रेलिंग वगैरह नहीं थी और उसके अभाव में 2 लड़कों की मृत्यु हो गई थी। इन सब चीज़ों को देखते हुए NHAI के द्वारा भी प्रयास किया गया और जहाँ जहाँ पुलियाँ नहीं थी वहाँ पर हमारे पत्राचार करने के बाद उन्होंने कॉशन टेप लगा दिए हैं, साइन बोर्ड लगा दिए हैं, नए रेडियम रिफ्लेक्टर लगा दिए हैं, छोटे छोटे से पोल लगाकर उसके ऊपर रिफ्लेक्टर्स लगा दिए हैं। और जहाँ पर टर्निंग थी NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर थे वर्षा बस्ती, उनको बुलाया गया था। उन्हें पूरा रोड दिखाया गया था जहाँ पर टर्निंग थी और वहाँ स्पीड ब्रेकर वगैरह थे, उसके पहले वाइट मार्किंग से वहाँ पर मार्किंग की गई ताकि रात के अंधेरे में भी लोगों को पता चल सके कि आगे स्पीड ब्रेकर है, टर्निंग है। इस तरीके से इन सब छोटी छोटी चीज़ों के कारण से रोड पर होने वाले हादसों में कमी आती है।